बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज स्थिति यह है कि बीजेपी जो सदस्यता अभियान चला रही है और कह रही है कि 20 लाख से ज्यादा सदस्य हमारी सदस्यता ले चुके हैं, वह पूरी तरीके से फर्जी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं भाजपा का सदस्य नहीं बन रही हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश जोशी का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान अभी भी जारी है और लोग काफी तेजी से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जो कह रही है उसका जवाब ये है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, ना ही हम महिला पुरुष की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमारी सदस्यता चल रही है और सदस्यता के कोई फाइनल आंकड़े भी आए नहीं हैं। जो भी हमारे टारगेट्स, चाहे बूथों को हमने दिए हैं, मंडलों को दिए हैं, जिले को दिए हैं, वो सब टारगेट अभी अचीव कर रहे हैं। हमारे जो फाइनल आंकड़े आएंगे तो फाइनल आंकड़े आने के बाद इसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिला पुरुष ऐसे करके इन चीज़ों को नहीं देखती है। जो सोच, चाहे जाति को लेकर के हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, चाहे समाज में विघटन पैदा करना हो, ये सब कांग्रेस का काम है। तो कांग्रेस का जो चश्मा है वो इसी तरह का चश्मा है, कभी वो जाति में चलता है, कभी धर्म में चलता है, कभी बंटवारे में चलता है। तो इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें बोल रही है, हम इसको पूरी तरह से नकारते हैं। और साथ ही जो है कि जिस दिन हमारा फाइनल आंकड़ा आएगा उस दिन सब पता चलेगा हमारी कितनी सदस्यता हुई है, उसमें कौन कौन से लोग